नमस्कार दोस्तों, आज वाटर प्रिपरेशन का तीसरा भाग आपको दिखाना है। तो ये वाटर का जो कलर है, ये कलर आप देख सकते हो, ये पूरा टोटली चेंज हो गया। कल हमने प्रोबायोटिक इनोकुलेट किए थे और पहला स्टेप क्या था मैडम, थोड़ा बताइए। फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे हमने, फर्स्ट में, पहले दिन में टैंक प्रिपरेशन, टैंक प्रिपरेशन। उसके बाद हमने प्रोबायोटिक एक्टिव किया, प्रोबायोटिक एक्टिव करने के बाद दूसरा दिन टैंक में ऐड किया था। तो आज हमको क्या है, सैनिटाइजेशन करना है। सीट हमारा आ चुकी है, ला थोड़ा बड़ा साइज का सीट है, उधर पानी निकालो। ये हमने हल्दी का एक घोल बनाया, फिर कॉपर सल्फेट है, फिर फ्रेश पानी है। तो पहले अपन क्या है, हल्दी का जो मिश्रण है इसमें डालिए। इसमें आपको कितना सेकंड करना है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, ठीक है। ये देखिए, ऊपर नीचे करो, ऊपर करो, फिर नीचे करो, फिर ऊपर कीजिए। हाँ, हो गया। देन कॉपर सल्फेट या केमिन ऑफ, इधर लाइए, जल्दी लाओ। हाँ, इसमें डालिए, ये देखिए, ऊपर नीचे, नीचे करो। ये एक्टिवनेस बढ़ जाएगा जितना आपका पैथोजेंस वगैरह है तालाब में। ये 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया। उसके बाद फ्रेश पानी, ये देखिए, फ्रेश पानी में डालिए और डालिए। हाँ, इसमें भी आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड, ये देखिए। हाँ, नीचे करो, नीचे करो। हो गया, आप लाइए, धीरे धीरे डालिए। पानी का कलर चेंज हो गया आपका, तीसरा दिन के बाद आप स्टॉकिंग कर सकते हो। आप देखे हो, बाकी भी स्टॉकिंग कर दो, जान लेके आओ, बाकी लेके आओ सेम प्रोसीडियर में। तो दोस्तों, सैनिटाइजेशन क्यों करते हैं अपन, सैनिटाइजेशन इसलिए करते हैं जो इसमें कई दूर से आपको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करके लाना पड़ता है फिश सीड। तो फिश सीड में आपको क्या रहेगा भाई, कुछ पैथोजेंस रह सकते हैं, उसका बैक्टीरिया है, फंजी जो भी है, तो उसको सैनिटाइजेशन करके फिर आपको टैंक में डालना है। तो फिलहाल हमारे पास इसमें ऑलरेडी टैंक में मछली थे करके उतना टेंशन नहीं हुआ है। तो आपको बेटर है मछली बीज लेके आओ, उसको एक दिन हॉस्पिटल टैंक में रखो। हॉस्पिटल टैंक में रखने के बाद फिर दूसरा दिन लेके आओ, फिर उसको सैनिटाइजेशन करना है। सैनिटाइजेशन करने के बाद फिर इसको टैंक में आपको मछली छोड़ना है, ठीक है। तो अभी न्यू कॉमर्स जो है आपको शुरू में करना है, तो आप कोशिश कीजिए आपको 30 ग्राम या 40 ग्राम का बच्चा मिले, बच्चा, और उसको आप 1200 नंबर डालिए, उससे ज़्यादा पहली बार नहीं डालना है। और आपका टारगेट रहेगा 200 से 250 किलोग्राम आपको हार्वेस्ट लेना है पर 10,000 लीटर। हाँ, देखो बाकी डाल दो। तो दोस्तों, ये है आपका पार्ट 3 है। तो इसमें आपको सैनिटाइजेशन कैसे करना है वो चीज़ सिखाया गया, और ऐसे करके आपको मछली बीज, तो मछली बीज आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा बड़ा साइज हो, और होने से थोड़ा सा अच्छा रहता है। छोटा साइज भी आप छोड़ सकते हो, छोटा साइज में आपको प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा है जो दाना आपको खिलाना है। तो देखा जाए तो फिर उसमें आपको खर्चा उतना ही बैठेगा, ठीक है दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करनी थी, आपका एसआर बायोफ्लॉक का हमको इन्विटेशन लेटर मिला है, और हमने 14, 15, 16 ये 3 दिन हम बालासोर में रहेंगे। तो जिन लोग उड़ीसा से है तो आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हो। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है सुकृष्णा दास, तो उनसे आप संपर्क कीजिए और आपका प्रोग्राम फिक्स कीजिए।
14, 15, 16 3 दिन हम बालासोर में रहेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू।